अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। शहजादा ढाबा एंड ब्लॉग चैनल में मैं आपका दिल से स्वागत वेलकम और इस्तकबाल करती हूं। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूं ये इमली की खट्टी तीखी चटपटी आलू की चाट, जो बहुत ही टेस्टी होती है। घर में कोई अचानक गेस्ट आ जाए या फिर कोई आपके घर में छोटी सी पार्टी हो तो एज ए स्टार्टर ये बहुत अच्छी लगेगी। तो फटाफट से पूरी रेसिपी को देख कर जाइए, उससे पहले मेरे चैनल शहजादा ढाबा एंड ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आलू की चाट की रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चार बड़े आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और उसको इस तरीके से मैंने काट लिया है। क्यूब्स में आप लोगों को काट लेना है। तो मैं लूँगी इमली का पल्प। तो ये मेरा इमली का पल्प पहले से रखा हुआ था, जिस मैंने किस तरीके से निकाला है तो इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की थी गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ। तो किस तरीके से मैंने इमली का पल्प निकाला आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। तो उसके बाद मैंने 6 से 7 बड़े चम्मच जो है वो इमली का पल्प डाला है। साथ में मैंने डाला है इसमें सफ़ेद नमक, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो साथ में मैं डालूंगी यहाँ पर ये होममेड चाट मसाला। तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक बायो में दे दूँगी। तो उसके बाद मैं डालूंगी यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। तो काला नमक डालना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपकी चाट या आपकी किसी भी चटपटी चीज़ में बहुत अच्छा एक टेस्ट निखर के आता है। तो उसके बाद डालूंगी मैं यहाँ पर पुदीना पाउडर, आप चाहें तो फ्रेश पुदीना भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हम रेड चिली पाउडर आधा चम्मच के करीब, क्योंकि चाट मसाले में भी रेड चिली होती है, तो इस वजह से उस चीज़ को ध्यान में रख के हमें जो है मिर्च डालना है। तो वैसे आप जितना तीखा खाते हैं उतना तीखा डालिए। तो यहाँ पर डालूंगी मैं हींग, ये बहुत ज़रूरी, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चाट में। तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। तो ये चटपटी तीखी चाट जो है वो अब इसको हम करेंगे मिक्स। तो मिक्स आपको बहुत अच्छे से करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो आपस में मिल जाएं। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो है वो आलू जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं होना चाहिए, उसे जो है आपके आलू फूट सकते हैं। थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें रेड फूड कलर, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो मत डालिए, मगर इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। और 2 से 3 चम्मच जो है वो इसमें डाल देंगे हम पानी। जी, पानी इसलिए डालना ज़रूरी है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ, इससे बहुत जल्दी मसाले मिक्स हो जाते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और ईज़िली ये जो है मसाले इससे मिक्स हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारी चटपटी सी तीखी सी चाट बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही आप लोग अपने घर पे बना के खाइएगा, बहुत मज़ेदार लगती है। तो साथ में यहाँ पर डाल दूंगी थोड़ा चॉप करके हरा धनिया, तो इससे जो है वो खूबसूरती जो है वो हमारी किसी भी डिश की खूबसूरती जो है वो बढ़ जाती है। तो मेरी तीखी चटपटी इमली की चटपटी सी चाट झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो घर में फटाफट से आप लोग बनाइएगा, खाइएगा और बहुत ही वाकई में बहुत टेस्टी होती है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जब आप अपने घर पे ये सबको बना के खिलाएंगे तो वाकई में सबको खाकर मज़ा आ जाएगा और सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।